नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक की अध्यक्षता, डिप्टी सीएम समेत विधायक हुए हैं शामिल। तो आपको बताते चलें, बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता करी है, डिप्टी सीएम समेत विधायक मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, कल से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर के ये बैठक की गई है, तैयारियां की गई हैं कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता करी है। बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के यहां पर तैयारियां हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता करी है, डिप्टी सीएम समेत विधायक यहां पर मौजूद रहे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले यहां पर बैठक का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी है। इसी के साथ आपको बताते चलें, विधायकों के साथ डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायक आजम खान और शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं हुए। सपा नेता ने कहा कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए खान रामपुर में हैं और स्वास्थ्य कारणों से वो बैठक में शामिल नहीं हुए। रामपुर से सपा विधायक आजम खान के अलावा उनके बेटे एवं स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, जिसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि काफी समय बाद केंद्र ने पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है। केंद्र की बात मान करके राज्य में वैट कम करा है, अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वैट कम करें। केंद्र और राज्य सरकारें अब राजनीतिक स्वार्थ को त्यागें और गंभीर राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि यहां आम जनजीवन सामान्य हो सके। मथुरा में सरकार के जरिए घटाई गई पेट्रोल डीजल की दरों पर कुछ लोगों का कहना है कि इस सरकार का धोखा है, दरों में फिर से वृद्धि होगी, और कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार का यह कदम अच्छा है। हर खबर के मथुरा ब्यूरो मोहम्मद फारूक ने जमुना पर फीलिंग स्टेशन पर जाकर के जनता की राय जानी है। आप भी सुनिए कि आखिरकार ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, जमुना पार फिलिंग स्टेशन है और जनता ने को कल भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। इसमें जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके एक बहुत बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने कमी करी है और जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे उनको थोड़ा कम किया है। हालांकि हम जनता की भी अभी राय लेंगे और हमारे पास में साथ में जमुना पार फिलिंग स्टेशन के जो मालिक हैं वो हमें बताएंगे कि पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है, पहले डीजल की कीमत क्या थी और अब डीजल की कीमत क्या है। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। बताइए, पहले जो पेट्रोल था वो कितने रुपए में मिल रहा था और डीजल कितने में मिल रहा था, और एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है उससे कितना अंतर आया, जरा बताइए। पहले पेट्रोल का रेट था 104 रुपए 71 पैसे और डीजल का रेट था 96 रुपए 27 पैसे, और अभी डीजल का रेट हो गया है 89 रुपए 20 पैसे
और पेट्रोल का रेट हो गया है 96.03 रुपये। तो इससे एक्साइज ड्यूटी घटाई है गवर्नमेंट ने और इसका डिफरेंस लगभग 7 रुपये का डिफरेंस आया डीजल पे, और पेट्रोल पे आया है 8.68 रुपये का डिफरेंस। तो इससे रेट कम हुआ है, जनता को बहुत राहत मिली है। तो ये बताइए, जनता का यहाँ क्या कहना है? आपके पेट्रोल पंप पे जो जनता आती है और लोग आ रहे हैं कल से, तो उनमें सरकार के प्रति क्या वो है, भावना है, क्या कह रहे हैं सरकार के लिए? तो राहत उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं? सम राहत आप उनको जनता को मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, ये भी आप बताएं। जनता को दिखाई दे रही है राहत, तो बहुत बढ़िया लग रहा है उनको कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पे रेट कम किया है, तो बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा, बिक्री जो आपकी पहले थी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है उस बिक्री पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे भी, वो तो जो लेने वाला वो डेली वो तो लेगा ही लेगा। बिक्री पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है इस तरीके का, जो मतलब पहले ले रहे थे उसी तरीके से बिक्री आपकी चल रही है पेट्रोल और डीजल की दोनों की? जी सर। तो आइए अभी हम बात करते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाएं इधर कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में जो अंतर आया है, 7.07 रुपये डीजल की कीमत में अंतर आया है और 8.68 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो अंतर आया है, वो हम उनसे कहेंगे कैमरामैन से कि उसको दिखाएं अपने कि ये क्या रेट में चल रहा है, और हम जनता से भी जानने के लिए की कोशिश करेंगे। आप बताइए भैया, जो पेट्रोल और डीजल पे जनता ने सरकार ने जनता के लिए पैसे कम किए हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सही है, सही किया है सरकार ने, बिल्कुल सही करा। अभी और आपको ऐसा लगता है कि कम करने की चांसेस हैं, सरकार और डाउन कर सकती है जो एक्साइज ड्यूटी है उसको और घटा सकती है? अभी तो और घटाने चाहिए वैसे तो, अभी तो रेट ज्यादा ही है ना, पहले से तो कुछ ज्यादा ही है। अभी रेट ज्यादा है आपको लग रहा है? आप पहले ये बताइए, अपनी स्कूटी में कितना पेट्रोल डलवाते थे और अब कितना डलवाती हैं? अभी तो फुली कराई है वैसे तो कम ही डलवाती हैं, अब तो जरूरत के मौका चलाते हैं हाथ के, जितना जरूरत हो खाली। अच्छा, और कितना आप इस्तेमाल करती हैं इसको, ये बताइए आप? पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के लिए कहीं जाना आना हुआ तो। मतलब इमरजेंसी में आप यूज करती हैं, वैसे यूज नहीं करती हैं? अच्छा, बस ठीक है। और अभी हम जो यहाँ के कर्मचारी हैं जमुनापार फिलिंग स्टेशन के, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी इनके यहाँ भीड़ चल रही है और कितने लोग यहाँ अभी आ रहे हैं। बिक्री पे तो कोई इसका फर्क नहीं है, ये भी अभी हम इनसे बात करेंगे। बताइए क्या बिक्री पे कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है बिक्री पे, और जैसे पहले सेल होती थी अभी भी वैसे ही हो रही है। क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी। तो आप ये जमुनापार फिलिंग स्टेशन पे काम करती हैं? Yes. तो डीजल की बिक्री अधिक होती है पेट्रोल की? डीजल की ज्यादा होती है और पेट्रोल की उससे थोड़ी कम होती है। तो ये बताइए, जो तमाम किसान हैं यहाँ पर जमुनापार क्षेत्र है और किसान भी यहाँ आते होंगे, डीजल की खपत ज्यादा है, डीजल ज्यादा लेते होंगे, तो 7.07 रुपये का जो अंतर आया, एक्साइज ड्यूटी घटी है सरकार ने घटाई है, उससे किसान कितना खुश है ये बताइए? किसान उससे काफी ज्यादा खुश है, किसान ज्यादा खुश है। और चांसेस हैं रेट? अब इसकी तो हम नहीं कह सकते, वो तो सरकार के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अभी एक और आए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, अभी इनसे भी हम बात करेंगे कि जो सरकार ने रेट कम किए हैं पेट्रोल और डीजल पे, पहले पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया था, अब पेट्रोल 96 रुपये के लगभग आ चुका है, तो अभी हम इनसे और बात करेंगे। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। ये बताइए, सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल और डीजल पे, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत काफी राहत मिली है। पहले 100 रुपये में 1 लीटर पार नहीं होता था, अब 100 रुपये में 1 लीटर से ऊपर जा रहा है, तो बहुत राहत मिली है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से संतुष्ट हैं इसके लिए काफी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारी संख्या में कोतवाली पहुंचे रिक्शा चालक, पुलिस की कार्रवाई से तमाम रिक्शा चालक यहां पर प्रभावित हुए, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी बंद किया गया है रिक्शा। तो रिक्शा चालक का कहना है कि डॉक्यूमेंट उनके पास थे, उसके बावजूद भी रिक्शा बंद कर दिया गया है, पुलिस की कार्रवाई से तमाम रिक्शा चालक यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी रिक्शा यहां पर बंद कर दिए गए।
बदायूं से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पेड़ से गिर करके युवक की मौत हो गई है। पेड़ से डाल को उतारने चढ़ा था युवक, आंधी में टूटी थी पेड़ की डाल, तो पेड़ से गिर करके एक युवक की मौत हो गई है। पैर फिसलने से जमीन पर गिर गया युवक। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव उरैना का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। बदायूं से बड़ी खबर, पेड़ से गिरकर युवक की मौत। पेड़ से डाल को उतारने चढ़ा था युवक, पेड़ से गिर करके युवक की मौत। अरे मुंह बंद करके बैठो। लखनऊ के एक युवक ने कानपुर की एक नाबालिग लड़की से पहले सोशल साइट पर दोस्ती की, फिर युवक लखनऊ से कानपुर आया और उसको घुमाने के बहाने बुलाकर ले गया, जिसके बाद युवक उसे एक होटल में ले जाता है, उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब युवती होश में आई तो युवक उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन युवती ने शोर मचा दिया। इस दौरान युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एक लखनऊ का लड़का फेसबुक से अटैच होके सर मेरे बच्चे को बहला फुसला के यहाँ पे बुला लिया, बोला कि हम दोस्ती हमारी, हमारे साथ में घूमने को आओ। वो घूमने के लिए घर से अचानक आ गई और उसके बाद में वो यहाँ पे लाके बोला कि कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिला के उसको ये सर ये बड़े चौराहे के पास ही कोतवाली के बगल में कोई होटल है सर, उसी में लेके गया। और वो बच्ची जो है फिर जब होश में आई तो उसको उसके साथ में पता नहीं सर गलत काम किया उसने, उसके बाद में उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। ले जाने के बाद में बच्ची ने पुलिस वालों को देखा तो वहां पे वो चिल्लाई और कूद गई, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया लड़के को। लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना कारित करने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी के अवैध टेम्पो ऑटो स्टैंड को लेकर शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश के बावजूद भी दुबुग्गा थाना क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि दुबुग्गा थाने के तहत बड़ी तादाद में अवैध टेम्पो मैजिक स्टैंड में भरमार है। साथ ही अवैध वसूली बराबर चल रही है। बिना फिटनेस की जितनी भी गाड़ियां हैं ट्रैफिक पुलिस के सामने चल रही हैं। मैजिक में सवारियां ठूस ठूस करके भरी जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस अवैध टेम्पो मैजिक स्टैंड को देखते हुए अनदेखा कर देते हैं। इनको रोकने में ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। तो सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बदायूं के नगर पालिका परिषद दातागंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दातागंज बदायूं चौराहे पर अतिक्रमण हटाया गया और गिराया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन के निर्देश पर चला है। अभियान ब्लॉक से लेकर थाने तक चलाया गया। इस दौरान कोतवाल सौरभ सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें सरकारी भूमि और रोड की पटरी से दुकानों की टीन शेड को हटा दिया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी है। कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा ब्लॉक के ग्राम सभा चिराई हवा में बीती रात लगी आग से 37 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। प्रभावित 37 परिवार में बिशुनपुरा ब्लॉक प्रमुख विद्वांसनी श्रीवास्तव ने रविवार को गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और आग लगने से प्रभावित 37 परिवार के लोगों में अनाज और बर्तन के साथ और जरूरी सामग्री बांटी गई। जिसके घर शादी विवाह का कार्यक्रम था उनके घर पहुंचकर के आवश्यक वस्तु के साथ आर्थिक सहायता भी की गई है।
कानपुर में डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक मौजूद रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्वक तरीके से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। अरवल तहसील दिवस का आयोजन हुआ और इसमें जो ज़्यादा शिकायतें आई हैं वो राजस्व विभाग संबंधी रही हैं और इसके अतिरिक्त कुछ एक पुलिस संबंधी भी प्रकरण सामने आए थे और ग्राम विकास संबंधी भी थे, लेकिन ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो कब्जों को लेकर या उनके कुछ लोगों को पैमाइश के इश्यूज थे। इस तरीके की सभी तरह की शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने मौके पर जो है टीम भेज दी गई और उसमें हम लोगों ने तात्कालिक रूप से प्रयास किया है कि जॉइंट टीम जाए, पुलिस की टीम जाए और रेवेन्यू की टीम जाए और मौके पर जो निस्तारण है उसको सुनिश्चित करे। कुछ एक समयबद्ध रूप से निस्तारण करने का जो एक तहसील दिवस का जो पूरी प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुरूप। कानपुर में मेटर्निटी बिल्डिंग हैलेट में बाल रोग विभाग और भारतीय बाल रोग अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में पीडियाट्रिक ALS और BLS कोर्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर यशवंत राव, डॉक्टर सुबोध बाजपेयी, डॉक्टर अनुराग भारती, डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, डॉक्टर विवेक सक्सेना ने किया। इस दौरान गर्भावस्था और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी गई। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित बारात घर के पास CBS इंटरनेशनल कंपनी ने तारा संस्थान के साथ मिलकर एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों आंख के मरीजों ने हिस्सा लिया। शिविर की एडवाइजर और CBS कंपनी की हेड सौम्या रस्तोगी ने इस निशुल्क शिविर में कुल 600 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 20 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत आई। कंपनी का कहना है कि जिसको नॉर्मल बीमारी थी उन्हें डॉक्टरों ने फ्री में दवा और चश्मा मुहैया करा दिया है, वहीं जिनको मोतियाबिंद है उन्हें अस्पताल भेजवा गया है, जिसका निःशुल्क ऑपरेशन कराकर उन्हें उनके घर छोड़ दिया जाएगा। कंपनी सेक्टर 18 में तारा नेत्र नामक एक अस्पताल खोल रही है, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में इलाज मुहैया करवाया जाएगा। क्या उद्देश्य है? आज हमारा दूसरा कैंप है। हम इससे पहले कैंप सेक्टर 90 वर्ल्ड हॉल में लगा चुके हैं। वहाँ के काफी गांव के लोग वहाँ पे आए थे, कम से कम 600 लोगों ने वहाँ पे अपना इलाज कराया मुफ्त में। जिनको दवाइयों की जरूरत थी उन्हें दवाई वितरण कराई गई, जिनको जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी उनको मुफ्त में चश्मे दिए गए और जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था उनका मुफ्त में ऑपरेशन। हमने जो शिविर लगाया है अपनी कंपनी CBS इंटरनेशनल के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लगाया है। इससे पहले भी हम कैंप लगा चुके हैं सेक्टर 90 में। आज के शिविर का आयोजन हमने तारा संस्थान के NGO के साथ मिलकर किया है। तारा संस्थान एक NGO है जो उदयपुर में स्थित है। तारा संस्थान की फाउंडर रही हैं श्रीमती कल्पना गोयल जी, जो काफ़ी छोटी उम्र से ही लगभग 12 साल की उम्र से उन्होंने मानवीय सेवा शुरू कर दी थी। तारा संस्थान के सेक्रेटरी हैं दिपेश मित्तल जी, जो काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं और अब तक तारा संस्थान ने 4 लाख लोगों की मुफ्त में मोतियाबिंद की सर्जरी। बदायूं के तहसील दातागंज क्षेत्र के गांव तचपुरा में प्राचीन काल का मंदिर है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर बहुत ही पुराना है। मंदिर पंच भैया एक बहन नाम से जाना जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि बहुत साल पहले पांच भैया अपनी एक बहन के साथ यहां से गुजर रहे थे, तभी इस जंगल में कुछ बदमाशों उनकी यहाँ पर उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने उनकी बहन को मारा और लूटपाट की, तभी पांचों भाइयों ने उन बदमाशों को भी मार दिया और अपनी बहन समेत उसी जगह पर प्राण त्याग दिए। लोग बताते हैं कि इस मंदिर की काफी मान्यता है। चैत्र माह में यहाँ काफी विशाल मेला लगता है, जिसमें काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ
मन्नतें मांगते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो मंदिर परिसर में नल आदि का निर्माण भी करवाते हैं। जगह को पंच भैया एक बहन सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। स्थान की सार ये व्यवस्था है कि यहाँ पुराना धाम है, माना हुआ शक्ति है। यहाँ के लोग बहुत भीड़ भाड़ रहती है, सोमवार को तो इतनी भीड़ रहती है कि 400-500 आदमी आ जाता है यहाँ प्रसाद चढ़ाने वाला, जल चढ़ाने वाला। ये माना हुआ स्थान है। और यहाँ जो बड़ा मेला लगता है वो किस मौसम में? वो बड़ा मेला लगता है चैत उतत और वैसाख चढ़त पूर्णमासी को लगता है। खबर लखनऊ से, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। आपको बताते चले, यातायात बाधित न हो इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम लखनऊ सड़क पर उतरे और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की। साथ ही साथ कहा कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर डीएम के साथ नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, जेसीपी पीयूष मोदिया के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां टीम ने अवैध शराब की बिक्री और पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले दो आरोपियों को मौके से धर दबोचा। एसटीएफ टीम ने आरोपियों के पास से 35,000 बैरल अवैध डीनेचर्ड स्प्रिट और 25 ड्रम पेट्रोल, 3 ड्रम डीजल समेत चोरी करने के उपकरण बरामद किए। पुलिस की माने तो सभी आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।